हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने चैनल एचपी एग्जाम कॉर्नर पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स। तो हिमाचल प्रदेश से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते थे जुलाई मंथ से रिलेटेड, सभी को हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको एग्जाम में इससे जरूर हेल्प मिलेगी। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने जल उपकर आयोग बनाया है? तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है हाल ही में जल उपकर आयोग यानी कि वाटर सेस आयोग का गठन किया है। तो यह सुखविंदर सिंह सुक्खू जी माननीय मुख्यमंत्री जो है हिमाचल प्रदेश के, उनके द्वारा जो है इस आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग में जो है एक अध्यक्ष होगा और 3 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। तो दोस्तों, अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष जो है अमिताभ अवस्थी जो है आईएएस अधिकारी रह चुके हैं वो, और वह जल शक्ति विभाग के सचिव भी हैं। तो उन्हें जो है वाटर सेस आयोग का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा बात करें जो 3 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की गई है, उनमें से पहले सदस्य हैं एचएस धरोला, दूसरे हैं अरुण शर्मा और तीसरे हैं जोगिंदर सिंह। तो दोस्तों, बात करें इस आयोग की तो जो इसके अध्यक्ष है उसके सदस्यों की जो अधिकतम आयु है वो 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और बात करें इसके मुख्यालय की तो वाटर सेस आयोग का जो मुख्यालय है वह शिमला में होगा। तो याद रखिएगा, वाटर सेस आयोग का गठन हुआ है, इसमें एक अध्यक्ष है और 3 सदस्य हैं। अध्यक्ष हैं अमिताभ अवस्थी जी, 3 सदस्यों की बात करें तो एचएस धरोला, अरुण शर्मा और जोगिंदर सिंह इसके 3 अन्य सदस्य हैं। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे पिछले मंथ में, लेकिन ये रिवाइज करने के लिए मैंने इस मंथ में भी इंक्लूड किया है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य जल उपकर आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अमिताभ अवस्थी को। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला वह कौन सा संस्थान है जिसे NAAC से A+ ग्रेड हासिल, जिसने NAAC से A+ ग्रेड हासिल किया है? तो दोस्तों, यह बना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश को जो है NNAC की ओर से जो है A+ ग्रेड मिला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि NAAC क्या है। तो राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, जिसे नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, यह एक संस्थान है जो भारत में उच्च शिक्षा, अन्य शिक्षा संस्थानों का आंकलन तथा प्रत्यायन का कार्य करता है। इसकी स्थापना की बात करें, NAAC की स्थापना सितंबर 1994 बेंगलोर में की गई थी। अब बात करते हैं कि NAAC ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश को ए ग्रेड हासिल जो इन्हें मिला है वो किस बेसिस पे दिया गया है? तो दोस्तों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति जो है प्रोफेसर संत प्रकाश बंसल ने कहा कि देश के जो है 1100 विश्वविद्यालय की ग्रेडिंग की गई थी, इनमें से जो है A+ ग्रेड केवल 7% विश्वविद्यालयों को ही मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि नेक टीम की ओर से जो है तय अधिकतम 4 अंकों में से जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश को 3.42 अंक मिले हैं, और नेक की ओर से जो है निर्धारित सभी 7 मापदंडों में जो है CU खरा उतरा था। तो इसी के आधार पर जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश को जो है ए ग्रेड हासिल हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर घर पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला पहाड़ी राज्य बन गया है। तो दोस्तों, हर घर पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला पहाड़ी राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। वहीं जिले की बात करें तो हर घर पानी यानी कि जल जीवन मिशन, हर घर नल हर घर जल का सपना साकार हुआ है, और ऐसा करने वाला देश का पहला जो राज्य है वो बना है हिमाचल प्रदेश। और जिले की बात करें तो जिला बना है शिमला। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है देश का ऐसा पहाड़ी राज्य बन गया है जिसे लगभग हर घर में नल लगा हुआ है, और हिमाचल प्रदेश के कुल 17.08 लाख घरों को जो है पीने का पानी नलों के जरिए जो है हर घर तक पहुंचाया गया है। तो दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश जो है हर घर जल पहुंचाने वाला पहला पहाड़ी राज्य बन चुका है। आगे पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है हाल ही में मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना जो है शुरू करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों, वन विस्तार योजना है क्या, सबसे पहले ये बात करेंगे। तो दोस्तों, इस योजना का जो लक्ष्य है राज्य में वन क्षेत्र का विस्तार करना है, जिससे क्या होगा, पारिस्थितिक तंत्र और सामाजिक आर्थिक जनजीवन पर जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। और इस योजना के माध्यम से जो है भूमि के संरक्षण और भूस्खलन से जो पहाड़ के ढलान की मिट्टी और पत्थरों को पानी से रोकने के लिए भी सहायता मिलेगी। तो याद रखिएगा, वन योजना क्या है, मेनली जो है वन क्षेत्र का विस्तार करना और वन क्षेत्र का संरक्षण करना है। आइए बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार कितने प्रतिशत पर शिक्षा के लिए ऋण उपलब्ध कराएगी? तो आइए दोस्तों, बात करते हैं कि मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना है क्या। तो दोस्तों, यह जो योजना है इसमें राज्य के गरीब मेघावी विद्यार्थियों को जो है उच्च अध्ययन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, जैसे कि उनके रहने खाने, ट्यूशन फीस, किताबें और अन्य शिक्षा संबंधी खर्चों के लिए जो है 20 लाख रुपए तक का ऋण जो है प्रदान किया जाएगा इस योजना के तहत। और इसमें जो है विद्यार्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपए से कम है एवं विद्यार्थी की आयु 28 वर्ष और व्यवसायिक तकनीकी शिक्षा जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, पैरामेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग, कानून इत्यादि विषय में जो है डिप्लोमा या फिर डिग्री आदि में जो है न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो, तो ऐसे जो विद्यार्थी है उनको जो है इसमें ऋण दिया जाएगा। और यह जो ऋण होगा, यह जो लोन होगा, उसका जो ब्याज दर होगा वो केवल 1% होगा। 1% ब्याज दर पर जो है यह ऋण उन्हें उपलब्ध करवाया जाएगा। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी योजना जो है सुक्खू सरकार द्वारा चलाई गई है। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, मेनली पता होना चाहिए कि मैक्सिमम जो है 20 लाख रुपए तक का ऋण इसमें मिलेगा, और जो है मैक्सिमम आयु कितनी होनी चाहिए, 28 वर्ष होनी चाहिए, मिनिमम अंक जो है 60% होने चाहिए, स्पेशल फील्ड्स जो कि मैंने आपको बताई उसमें।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हिमाचल प्रदेश का पहला सौर स्तंभ कहाँ स्थापित किया गया है जो कि किसानों को फसल से संबंधित जानकारी देता है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश का पहला सौर स्तंभ की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थापित किया गया है। याद रखिएगा पहला सौर स्तंभ जो है जिला सिरमौर के पच्छाद उपमंडल में जो है स्थापित किया गया है। ये प्रदेश का पहला कृषि आधारित सौर स्तंभ है। इसमें क्या है, रेडियो फ्रिक्वेंसी की तरह जो है 100 किलोमीटर के दायरे में यह किसानों को फसलों, मौसम, जलवायु तथा अन्य जानकारी उपलब्ध करवाता है। तो याद रखिएगा प्रदेश का पहला सौर स्तंभ कहाँ खोला गया है, जिला सिरमौर के पच्छाद उपमंडल में। अब बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। तो दोस्तों 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में BSL परियोजना में तैनात किस फायरमैन को बेस्ट फायर फाइटर की श्रेणी में सेव इंडिया हीरो प्लस अवार्ड के लिए चयनित किया गया? तो दोस्तों यह किया गया शेर सिंह को। आइए इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं BSL परियोजना की। तो दोस्तों BBMB यानी कि BBMB प्रबंधन भारत का गौरव कही जाने वाली जो है योजना है, भारत ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। तो इसके तहत जो है BSL यानी कि ब्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट ने जो है अभी हाल ही में अपना 47वां जो है स्थापना दिवस मनाया था। इसमें जो है 990 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना का निर्माण कार्य जो है वर्ष 1960 में शुरू किया गया था और 1970 में जो है यह प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ था। और बात करें 1970 में जो है यह कमीशन्ड किया गया था। तो ये तो है BSL प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं कि शेर सिंह कौन है, क्यों इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों BSL परियोजना में फायरमैन शेर सिंह को जो है बेस्ट फायर फाइटर की श्रेणी में सेफ इंडिया हीरो प्लस अवार्ड के लिए चयनित किया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में जो है 3 अगस्त को जो है 46वें सेफ इंडिया हीरो प्लस अवार्ड समारोह में जो है उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। बात करें शेर सिंह, तो शेर सिंह जो है SSB में सेवाएं देने के बाद जो है BBMB की BSL परियोजना में जो है दमकल विभाग में फायरमैन के पद पर कार्यरत हैं। और शेर सिंह ने जो है अनेक बार अपनी ड्यूटी के बाद जो है अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए कई लोगों को नहर व जलाशय में डूबने से बचाया है और उन्होंने जंगली जानवरों की जान भी बचाई है। तो इसी के लिए जो है उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये आपने याद रखना है कि शेर सिंह को जो है ये पुरस्कार हाल ही में दिया गया। अब बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। तो दोस्तों 9th क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश की पहली महिला DGP कौन बनी है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सावंत अटवाल त्रिवेदी जो है हिमाचल प्रदेश की पहली महिला DGP बन गई हैं। बात करते हैं सावंत अटवाल त्रिवेदी, तो 1996 बैच की जो है यह IPS अधिकारी है। इसके अलावा जो है सावंत अटवाल त्रिवेदी जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी और सीमा सुरक्षा बल में जाने वाली पहली महिला IPS अधिकारी भी हैं। और बात करें महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर यह अपनी आवाज उठाने के लिए मेनली जानी जाती हैं। और बात करते हैं सावंत अटवाल त्रिवेदी जो है वर्तमान में राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो और जेल विभाग में ADGP है। और बात करते हैं सावंत अटवाल त्रिवेदी कहाँ की रहने वाली हैं? तो दोस्तों सावंत अटवाल त्रिवेदी बिलासपुर की रहने वाली हैं। इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बीट्स कॉलेज शिमला से पढ़ाई की है, ऑकलैंड स्कूल से इन्होंने स्कूली शिक्षा ली थी। और जो सावंत अटवाल त्रिवेदी हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। इसके अलावा सावंत अटवाल त्रिवेदी जो है अमेरिका का टॉप जांच एजेंसी FBI की अकेडमी से डिप्लोमा भी ले चुकी हैं। तो काफ़ी टैलेंटेड है सावंत अटवाल त्रिवेदी जी। तो ये हाल ही में पहली महिला DGP बनी है हिमाचल प्रदेश की, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बिलासपुर की रहने वाली है। 10th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हाल ही में तेलंगाना में हुई नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में हिमाचल की ओर से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो दोस्तों हिमाचल की ओर से जो है 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। बात करते हैं कि यह जो प्रतियोगिता है 5 जुलाई तक जो है तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित हुई थी। यह 76वीं जो है सीनियर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में जो है हिमाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया। और वो 3 खिलाड़ी कौन कौन से थे? सबसे पहले थे जिला मंडी के कालिदास, दूसरे थे जिला सिरमौर की मानसी शर्मा और तीसरे थे जिला ऊना के अनिरुद्ध सुडाल। तो इन तीनों जो खिलाड़ी हैं इन्होंने जो है 76th सीनियर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में भाग लिया जो कि तेलंगाना के हैदराबाद के तेलंगाना में आयोजित की गई थी। तो याद रखिएगा ये 3 कहां कहां से, मंडी, सिरमौर और ऊना जिले से संबंध रखते थे। मंडी से कालिदास, सिरमौर से मानसी और ऊना से अनिरुद्ध। आइए 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रेंड्स हाल ही में हुए वुशु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली शिवानी का संबंध कौन से जिले से है? तो दोस्तों वुशु चैंपियनशिप ये कौन सी थी, 19th जो है एशियन महिला चैंपियनशिप थी। इसमें जो है शिवानी शर्मा जो कि मंडी जिले से बिलोंग करती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि शिवानी शर्मा कहां से बिलोंग करती है, मंडी जिले से बिलोंग करती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करें तो जो ये प्रतियोगिता थी इसमें जो है शिवानी शर्मा ने बिना किसी कोच की सहायता से जो है कामयाबी हासिल की, गोल्ड मेडल जीतने में उन्हें कामयाबी हासिल हुई। ये जो प्रतियोगिता थी ये 32वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियन प्रतियोगिता थी और ये पुणे में चल रही थी। पुणे के बात करें तो छत्रपति शिवाजी खेल स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था और जिसमें हिमाचल की बेटी शिवानी ने जो है स्वर्ण पदक जीता। और दोस्तों शिवानी ने जो है 8.9 अंक से जो है अपना पहला स्थान हासिल करके गोल्ड मेडल जीता है। इस इवेंट में जो है 20 राज्यों से जो है प्रतिभागी आए थे जिसमें से उन्होंने अपना जो है स्थान हासिल किया है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और शिवानी कहाँ से रहने वाली है, तो मंडी जिले की यह रहने वाली है। अब बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। तो 12वां क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की कोच कौन बनी है, इनका संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों हाल ही में भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की कोच बन गई है डॉक्टर रविंद्रा बांश और यह हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के रोड़ू की रहने वाली हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कोच बनी है रविंद्रा बांशटू जो कि जिला शिमला के रोड़ू की रहने वाली हैं।
अब बात करते हैं इनके बारे में। तो डॉक्टर रविंद्रा बांशडू जो है 19वीं एशियन महिला चैंपियनशिप के लिए चयनित वॉलीबॉल टीम को प्रशिक्षण देंगी और यह फिलहाल हिमाचल के युवा सेवा एवं खेल विभाग में बतौर कोच की सेवाएं दे रही थी। इसके अलावा चीन के हांगजू में जो है 22 सितंबर से 8 अक्टूबर तक जो एशियन वॉलीबॉल प्रतियोगिता खेली जाएगी इसके लिए वह इंडिया टीम की कोच की जो है नियुक्ति इसलिए जो है मेनली की गई है उनकी नियुक्ति। और चैंपियनशिप के लिए जो है भारतीय टीम के कोचिंग कैंप जो है बेंगलुरु में अभी फिलहाल जो है चल रहे हैं। बात करें रविंद्रा बांशडू की तो इनके बारे में बात करते हैं। तो बांशडू जिला शिमला के रोहडू क्षेत्र की रहने वाली हैं। यह 2005 में जो है शिक्षा विभाग में कोच चुनी गई थी। उन्होंने जो है खुद वॉलीबॉल में 16 नेशनल खेले और 3 बार जो है भारतीय टीम के लिए खेली हैं। तो ये इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 13th क्वेश्चन है, हाल ही में दुबई में हुई इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग में हिमाचल के पावर लिफ्टर ने कितने पदक जीते? तो दोस्तों 8 पदक जो है टोटल जीते हैं हिमाचल के पावर लिफ्टर्स ने। आइए इनके बारे में बात करते हैं। तो टोटल कितने खिलाड़ी थे? तो टोटल यह 6 खिलाड़ी थे। 6 खिलाड़ियों ने टोटल 8 पदक जीते हैं। तो इनमें से जो है 6 गोल्ड मेडल हैं और 2 जो है सिल्वर मेडल उन्होंने जीते हैं। दोस्तों यह इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता जो है 21 से 23 जुलाई तक खेली गई थी और भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो है 18 खिलाड़ियों का दल जो है दुबई के लिए रवाना हुआ था। तो टीम के कोच जो थे कौन थे? जीवन कुमार के नेतृत्व में जो है हिमाचल से पहली बार 6 खिलाड़ी जो है इस प्रतियोगिता में शामिल हुए थे। और प्रदेश के जो लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग की बात करें तो प्रदेश के पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन और टीम इंडिया के कोच जीवन कुमार ने बताया कि हिमाचल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंटरनेशनल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया जिसमें से उन्होंने 6 गोल्ड और 2 सिल्वर लिए थे। अब बात करें कि ये जो हिमाचल के खिलाड़ी थे वह कौन कौन थे, क्या उनके नाम हैं? तो दोस्तों इसमें से पहले थे अंकुश राठौर, दूसरे थे प्रदीप ठाकुर, रजत, इन तीनों ने जो है एक एक जो है मेडल जीता और शुभम शर्मा ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इंटरनेशनल प्रतियोगिता में हिमाचल के जीवन कुमार, अंकुश राठौर, प्रदीप ठाकुर, रजत ने जो है एक एक स्वर्ण पदक जीता। बात करें शुभम शर्मा की तो उन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते जबकि दोस्तों ऋषभ शर्मा और रजत ने जो है सिल्वर मेडल जीतकर दुनिया भर में प्रदेश का मान बढ़ाया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इन सभी के नाम आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं 14th क्वेश्चन की। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में मिंजर मेला शुरू हुआ? तो मिंजर मेला कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों मिंजर मेला जिला चंबा में मनाया जाता है। यह एक राष्ट्रीय स्तरीय मेला है और इस मेले को जो है साहिल वर्मन ने आरंभ किया था। और इस मेले में मेनली बात करें तो वरुण देव की पूजा की जाती है और यह मेला जो है अगस्त महीने में मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 15th क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के लिए कितने नए जजों की नियुक्ति की गई है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में 3 नए जजों की नियुक्ति की है। टोटल अब जो संख्या हो गई है हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस सहित जो जजों की कुल संख्या है वो कितनी हो गई है? 12, याद रखिएगा। लेकिन जो है जजों के लिए कुल स्वीकृति पद हैं 16, ठीक है, 16 हैं जिसमें से 12 की नियुक्ति हो गई है और 4 पद जो हैं अभी भी खाली पड़े हुए हैं। अब दोस्तों ये जो 3 जजों की नियुक्ति हुई है इसमें से जो 2 जज हैं वो वरिष्ठ अधिवक्ता होंगे और 1 जो है न्यायिक सेवा से हैं। तो वरिष्ठ अधिवक्ता जो हैं वो कौन कौन हैं? पहले हैं रंजन शर्मा और बिपिन चंद्र नेगी। और बात करें न्यायिक अधिकारी कौन होंगे, राकेश कैंथला जी जो है न्यायिक अधिकारी होंगे। तो याद रखिएगा 3 नए जजों की नियुक्ति हुई है, रंजन शर्मा, बिपिन चंद्र नेगी और राकेश कैंथला की। अब एक एक करके बात करते हैं इन सभी जज के बारे में। तो दोस्तों रंजन शर्मा की सबसे पहले बात करेंगे। तो रंजन शर्मा का जो जन्म है 21 अगस्त 1968 को हुआ, वह कांगड़ा जिले के धर्मशाला के रहने वाले हैं और इन्होंने जो है रोहतक विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री हासिल करने के बाद 11 दिसंबर 1991 में जो है एक वकील के रूप में जो है यह नामांकित हुए थे। उसके बाद जो है 2019 में इन्हें हाईकोर्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों ये है रंजन शर्मा जी के बारे में। अब बात करते हैं बिपिन चंद्र नेगी जी के बारे में। तो इनका जन्म किन्नौर जिले के सांगला में हुआ है। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा जो है शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली से की है। इसके बाद इन्होंने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली से जो है BA अर्थशास्त्र और हिमाचल विश्वविद्यालय से LLB की। पिछले 28 सालों से जो है यह वकालत कर रहे हैं और 1994 में जो है अधिवक्ता के रूप में यह नामांकित किए गए थे। तो दोस्तों ये बात थी बिपिन चंद्र नेगी के बारे में। अब बात करते हैं राकेश कैंथला जी के बारे में। तो राकेश कैंथला जी का जन्म जो है 1968 में शिमला में हुआ। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा जो है DAV स्कूल लक्कड़ बाजार शिमला से ही हासिल की है और 1991 में जो है हिमाचल प्रदेश से इन्होंने LLB हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से इन्होंने LLB की। वहीं 1991 में जो है अधिवक्ता के रूप में इन्हें नामांकित किया गया। वहीं 1995 में जो है न्यायिक सेवाओं में इनकी नियुक्ति की गई थी। इससे पहले राकेश कैंथला जो है जिला एवं स्तर न्यायाधीश मंडी में सेवाएं दे रहे थे। तो ये कुछ चीजें हैं, आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 16th क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में अब तक कितने केंद्र खोले जा चुके हैं? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में 61 केंद्र जो है खोले जा चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना है क्या। तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना जो है जनता को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्वक दवाएं जो है उपलब्ध कराने के लिए फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। इसमें जो है जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए जो है
स्टोर स्थापित किए गए हैं जो कम कीमत पर जो है आपको दवाएं उपलब्ध करवाएंगे, और इनकी जो गुणवत्ता होगी वह ब्रांडेड दवाएं जो होती है उसके बराबर ही मानी जाएगी। तो ये कुछ योजना जो है काफी इंपॉर्टेंट जो है, प्रधानमंत्री जन धन औषधि योजना जो है खोली गई है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये योजना है क्या। तो होपफुली आपको ये पता चल गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की किस योजना के माध्यम से राज्य के सभी जिलों में स्थित चोटियों एवं पहाड़ियों को शामिल करते हुए राज्य में हरित आवरण को बढ़ावा दिया जाएगा। तो दोस्तों यह योजना है मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना। तो इसके बारे में स्टार्टिंग में ही हमने पूरा डिस्कस कर लिया था कि मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना क्या है, तो ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवाओं को हर घर तक पहुंचाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई पोर्टल का क्या नाम है। तो दोस्तों सेवाओं को हर घर तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा हिम परिवार पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं कि यह हिम पोर्टल, हिम परिवार पोर्टल क्या है। तो दोस्तों इस योजना के तहत जो है प्रदेश के परिवारों को यूनिक आईडी दी जाएगी, और इसमें राशन कार्ड, परिवार रजिस्ट्री, बिजली और पानी जैसी सुविधाओं का जो डेटा है वो एक जगह उपलब्ध करवाया जाएगा। इससे जो लाभ होगा, इससे क्या लाभ होगा कि जो मौजूदा जानकारी के आधार पर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ जो है आसानी से मिल सकेगा, और किसी भी जानकारी को जो है एक ही जगह पर आप इकट्ठा कर सकते हैं, एक ही क्लिक पर जो है सभी जानकारी हासिल हो जाएगी। तो ये काफी अच्छा इनिशिएट है, हिम परिवार पोर्टल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं 19th क्वेश्चन की। हाल ही में कलगीधार ट्रस्ट बड़ू साहिब ने नशे के खिलाफ कितने लाख से ज्यादा हैंड प्रिंट प्राप्त कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों कलगीधार ट्रस्ट बड़ू साहिब ने जो है 1 लाख से ज्यादा हैंड प्रिंट जो है प्राप्त करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों कलगीधर ट्रस्ट बड़ू साहिब ने अपनी 129वीं अकाल अकादमी इंटरनल यूनिवर्सिटी जो है 2 अकाल नशा मुक्ति केंद्रों के संयुक्त प्रयासों से जो है नशे की लत से निपटने के लिए नशा मुक्त समाज की स्थापना के लिए एक शपथ के रूप में जो है 1 लाख से अधिक व्यक्तियों के हस्त छापों को जो है सफलतापूर्वक ऑनलाइन प्राप्त किया है। दोस्तों यह ऐतिहासिक पहल कब शुरू हुई थी, तो 26 जून को जो है नशे की लत और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर शुरू की गई थी यह पहल। इस अभियान के तहत जो है 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों द्वारा जमा किए गए 80% रंगीन हाथ के निशान नशे की लत के खिलाफ जो है खड़े होने के अनेक दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं। बाकी जो छापों का योगदान है नौजवानों और बुजुर्गों के द्वारा किया गया है। तो ये काफी अच्छा इनिशिएट जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा दौरे के दौरान कितने करोड़ पर लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और निर्यात किया है। तो दोस्तों उन्होंने 82.14 करोड़ रुपए की लागत से जो है बहुत सारी विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। तो वह हाल ही में जो है चंबा के मिंजर मेले में गए थे, और इसी मेले के दौरान जो है उन्होंने काफी सारी योजनाओं का जो है लोकार्पण किया और काफी सारी योजनाओं के बारे में बताया। तो उन्होंने दोस्तों 4.55 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजकीय सहस्त्रवाही बहुतेक्निकीय महाविद्यालय के छात्रावास चील बंगला में जो है 92.98 लाख रुपए से निर्मित मुख्यमंत्री लोक भवन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनी खेत में 1.99 करोड़ रुपए से निर्मित ओपीडी खंड नागरिक अस्पताल चुवांडी में 1.48 करोड़ रुपए, इसी तरह से उन्होंने अन्य काफी जगहों पर जो है इस प्रकार का सहयोग दिया। टोटल अमाउंट की बात करें तो टोटल अमाउंट था 82.14 करोड़ रुपए। आइए आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों यह क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने किस अस्पताल में लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों यह लिया गया है आईजीएमसी शिमला में। तो आईजीएमसी शिमला को जो है राज्य सरकार द्वारा लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर जो है स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों इसमें जो है लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर जो है हेल्थ केयर सिस्टम जो है इसमें शामिल और न्यू टेक्निक जो है इसमें शामिल की गई है। इसके लिए जो है प्रदेश सरकार ने 136 पद भरने की मंजूरी दे दी है। और दोस्तों यह जो मेनली फैसला लिया गया है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए मेनली इस कदम को उठाया गया है। तो दोस्तों इस ट्रॉमा सेंटर में क्या क्या फैसिलिटी दी जाएंगी, तो यह ट्रॉमा सेंटर जो है 24 घंटे खुला रहेगा, और यह ट्रॉमा सेंटर जो है 3 शिफ्टों में काम करेगा, जिससे कि डॉक्टर्स और जो नर्सिंग स्टाफ है उनको किसी भी तरह का महसूस ना हो। और इसमें दोस्तों रोबोटिक सर्जरी भी शुरू की जाएगी। तो ये काफी अच्छा इनिशिएट जो है गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ जुलाई मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स थे हमने सभी को कंप्लीट कर लिया है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे सेफ, बाय बाय।